यहाँ से हवा क्यों उठ रही है? 0 डिग्री से एयर क्यों उठ रही है? कहाँ तक जाएगी एयर? अरे ट्रोपोपोज तक जाएगी ना, ऊपर धरती की, अर्थ की सरफेस से कहाँ तक जाएगी? इसके बाद ये दोनों तरफ लौटेगी, ट्रोपोपोज से दोनों तरफ ये नीचे आएगी, है ना? और दोनों तरफ हवा जब आएगी तो दोनों तरफ बनेगा, और बीच का क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां से एयर उठ रही है तो यहां पर कैसा प्रेशर हो जाएगा? लो। और दोनों तरफ क्या हो जाएगा? अब दोनों तरफ जो हाई होगा ना, जब हवा नीचे बैठती है जैसे बोलते एंटी साइक्लोन, जब हवा नीचे बैठती है जैसे बोलते प्रति चक्रवात, तो यहां पर आएगा साइक्लोन चक्रवात, क्योंकि यहां हवा उठ रही है और यहां पर हवा बैठ रही है। तो जहां हवा उठती है वहां साइक्लोन बनते हैं, वहां बारिश होती है, और जहां हवा सबसाइड करती है बैठती है वहां एंटी साइक्लोन बनते हैं और वहां वर्षा नहीं होती है। ये ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर। ये हवा जब ऊपर जाने पर ठंडी होगी तो हवा नीचे जाने पर कैसी होगी? गर्म। तो यहां पर गर्म हवा बैठेगी तो यहां पर हॉट डेजर्ट, उष्ण मरुस्थल बनेंगे। यही बोलना चाह रहे थे। ये 0 डिग्री है, ये 20 से 30 डिग्री नॉर्थ है और ये 20 से 30 डिग्री साउथ है। अब हवा कहां से कहां आना चाहिए? हाई से, तो अब हाई से लो प्रेशर और हाई से लो प्रेशर जाने लगेगी, जिन दोनों को कहते हैं व्यापारिक पवने, ट्रेड विंड। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं ट्रेड विंड। तो यही समझा रहे थे क्लास में कि 0 से उठेगी, ट्रोपोपोज तक जाएगी और इसके बाद जमीन पर ही आएगी। जमीन पर आएगी 20-30 पर हाई प्रेशर बनेगा, हाई से एयर जमीन पे जाने लगी लो, तो एक साइकिल बनी कि नहीं बनी? तो 0 से 20-30 के बीच, 0 से 20-30 के बीच में एक पूरा चक्र बनता है। एयर उठेगी नीचे बैठेगी, ट्रेड विंड बन के चली आएगी। एयर उठेगी नीचे बैठेगी, ट्रेड विंड बन के नीचे आ जाएगी। इस चक्र को, इन दोनों चक्रों कहते हैं हेडले, हेडले। इस चक्र को क्या कहते हैं? तो हेडले चक्र होता है 0 से 20-30 के बीच में। एयर उठेगी ट्रोपोपोज तक जाएगी, 20-30 पे नीचे बैठेगी, ट्रेड विंड के आ जाएगी। एयर उठेगी ऊपर जाएगी, 20-30 पे नीचे बैठेगी, ट्रेड विंड व्यापारिक बन के नीचे आएगी, एक चक्र पूरा हो जाएगा। इस चक्र को क्या बोले? हेडले चक्र। जब ये एयर नीचे बैठेगी तो 0 पे भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी। बोला था पानी नीचे गिरेगा दोनों तरफ फैलेगा, तो ये एयर भी दोनों तरफ जाएगी। अब जब ये वार्म एयर, गर्म हवा जाएगी तो ध्रुव से आने वाली ठंडी हवा से टकराएगी, क्योंकि ध्रुव से कैसी हवा आ रही है? ठंडी। और 20-30 से कैसी हवा जा रही? तो यहां 60-65 के बीच में दोनों टकराएंगी। कौन सी? कोल्ड पोलर विंड, है ना, ठंडी ध्रुवी पवन। अब इन दोनों में, ठंडी और गर्म में कौन हल्की होगी? गर्म हवा। तो उठना किसको पड़ेगा? गर्म हवा उठ जाएगी, और जहां उठेगी वहां पर फिर बन जाएगा निम्न दाब। ये समझ में आया कि नहीं? तो 0 डिग्री पर निम्न दाब इसलिए कि सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा यहां है, एयर को उठना पड़ेगा। पर ये वाला जो निम्न दाब है वो दो हवाओं के मिलने की वजह से, और जहां दो हवाएं मिलती अलग अलग वहां बनता है वाताग्र। अभी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर, वाताग्र या फ्रंट, इंग्लिश बोलते फ्रंट। तो 60-65 में फ्रंट बनता है। इसका कारण तापमान है, इसका कारण गति है। ये थर्मोजेनिक है, ये डायनेमिक है, ठीक है। इसके बाद ये एयर जब ऊपर जाएगी तो ट्रोपोपोज तक ही जाती है, पर यहाँ ट्रोपोपोज थोड़ा नीचे होता है। बोला था यहाँ ट्रोपोपोज ऊपर होता है और यहाँ थोड़ा सा नीचे होता है। अब देखो, अब जब ट्रोपोपोज से टकराएगी कुछ एयर इस तरफ जाएगी, जैसे ये एयर जाके दोनों तरफ बटेगी, ऐसी जब ये एयर ऊपर जाएगी तो ये भी दोनों तरफ बटेगी। ये समझ में आया कि नहीं? जो 60-65 पे गर्म हवा उठ रही है वो ट्रोपोपोज क्षोभ सीमा से टकरा के दोनों तरफ फैलेगी, जैसे ये वाली एयर गई दोनों तरफ फैल गई। अब ये जो 60 से वापस 20-30 तक आ गई, ये बनाएगा फेरल। फेरल कैसे? देखो, ये 0 से हवा उठी, 20-30 पे गई, जो इस तरफ आ रही है वो ट्रेड विंड है, और जो उस तरफ जा रही है वो पछुआ है, वेस्टर्ली है। तो जो एयर 20-30 पे गिरती है, अगर वो 0 पे लौट आई तो उसका नाम क्या रख दोगे? व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड।
और अगर वो 60-65 पे चली गई उसका नाम पछुआ। यही पछुआ पवन ध्रुवी पूर्वा से टकरा के ऊपर उठती है, यही पछुआ ऊपर उठी, अगर ये 20-30 पे लौटाई तो फेरल चक्र बनाएगी, और ये 90 पे गिरी तो ध्रुवीय चक्र बनाएगी, ये पोलर साइकिल बनेगा, ध्रुवीय चक्र बन गया पोलर साइकिल। तो तीन साइकिल दिख रहे हैं, एक तो मुझे 0 और 30 के बीच में दिख रहा है, एक 30 और 60 के बीच में दिख रहा है, ऐसा ऐसा दिख रहा है 30 और 60, और एक 90 के बीच में। आगे सच में, एक तो 0 से यार उठी, 20-30 पे गिरी, ट्रेड विंड व्यापारिक पवन बन के आई, फिर उठी, ये 0 और 30 के बीच में, इसे बोलते हेडले। जो एयर पछुआ बन के गई वो ऊपर उठेगी और वापस 20-30 पे आएगी, 20-30 पे आएगी वापस चली जाएगी, ये 60 पे उठी 20-30 पे आई पछुआ बनी, ये फेरल है, और उठ के ये ध्रुव पे चली गई और ध्रुवी पूर्वा बनी, और ये जो चक्र बन गए ऐसे के बोलते हैं ध्रुवी चक्र। तो तीन चक्र हैं, ये ट्रेड विंड है, ये पछुआ है, और ये ध्रुवी पूर्वा है। अगर ये साइकिल समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत है? ये तीन पवन व्यापारिक पछुआ और ध्रुवी पूर्वा, इन्हें बोलते हैं प्रिवेलिंग विंड, प्रचलित पवन, या ग्लोबल विंड, वैश्विक पवन, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अब हमने क्या बोला कि इस व्यापारिक पवन की वजह से कुछ क्लाइमेटिक जोन बनेंगे, जैसे 0 पर विषुवत रेखा पर विषुवत जलवायु बनेगा, इसके बाद सवाना बनेगा, ऊष्ण घास के मैदान बनेंगे, और पछुआ की वजह से क्या बनेगा, ब्रिटिश क्लाइमेट, याद आ रहा, स्टेपी। जब इस तरफ से पछुआ जाएगी तो ब्रिटिश क्लाइमेट, स्टेपी और लॉरेंसिया, और जब व्यापारिक पवन आ रही थी तो यहाँ पर सदाबहार वन, रेन फॉरेस्ट, सवाना और वार्म डेजर्ट बनेंगे, याद आ रहा है? चलो, यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें 2-3 क्लाइमेट ऐसी रह गई थी जो ट्रांजिशनल है, जो चेंज होती रहती, उनको और देखना है आज। ये चार्ट समझ में आ गया? अब इस पे वापस भी आएंगे। चलो, देखो हमने ये कौन सा है, लॉरेंसिया। जब पछुआ पवन जाएगी तो सबसे किनारे पर कौन सा एयर, कौन सा टाइप बनेगा, लॉरेंसिया। ये कौन सा है, ब्रिटिश। ये स्टेपी, बीच में जो बनता है स्टेपी, किनारे पे बनता है ब्रिटिश, बीच में स्टेपी, इस तरफ लॉरेंसिया। ये पछुआ की वजह से बन रहा है, वेस्टर्ली की वजह से बन रहा है। हाँ, 30 से 60 सब। ये टैगा, और टैगा के बाद टुंड्रा। अब यहां समझो, इस वेस्टर्ली में समझो, देखो क्या होता है, ये पछुआ पवने चलती है, नहीं रुक जाओ, एक और इससे पहले देख लो, ये देखो, ये देखो क्या होता है, ट्रेड विंड वाला जो एरिया है, ट्रेड विंड कहां से चलती है, पूरब से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये इसलिए ट्रेड, ये 0 डिग्री है, ट्रेड विंड इस तरह से चलती है और इस तरह से चलती है, पर ये जो ITCZ वाला एरिया, ये फिक्स नहीं है। अगर सूर्य कर्क रेखा पे आ गई तो ये जो, ये वाला जो है ना, ये लाइन, तो ये जो नॉर्थ पे है ये साउथ पे आ जाएगा। तो क्या होता है, जो ट्रेड विंड है ना, जो 0 डिग्री के ऊपर और नीचे वाला, इनकी डायरेक्शन बदलती रहती है। जैसे ये गर्मियों में मानसून भारत की तरफ आता है और सर्दियों में मानसून भारत से जाता है, तो ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनों का जो एरिया है वो शिफ्ट होता रहता है। क्योंकि ट्रेड विंड कब तक दिखेगी, जब सूरज 0 डिग्री पे, अगर सूरज नॉर्थ या साउथ में चला गया तो डायरेक्शन बदल जाती है। तो ऐसा जोन जो 0 से 30 के बीच में मिलता है और हर 6 महीने में रिवर्सल होता रहता है, उसे बोलते हैं मानसूनी क्लाइमेट। समझ में आ गया? तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं, मानसूनी जलवायु प्रदेश, मानसूनी क्लाइमेटिक रीजन।
ये मिलेगा तुम्हें कर्क और मकर, कैंसर और कैप्रिकॉन के बीच में मिलेगा। ऐसे क्लाइमेट को क्या बोलते हैं? ये ट्रांजिशनल है, क्योंकि डायरेक्शन एक जैसा नहीं मिलेगा। गर्मियों में मानसून हमारी तरफ आता जून में, और शीतकाल अक्टूबर नवंबर में मानसून हमसे दूर जाता। तो ये ट्रांजिशनल है, दो डायरेक्शन बदल रही कि नहीं। तो मानसून स्थायी जलवायु प्रदेश नहीं है। अभी इससे पहले जितने हमने पढ़े वो परमानेंट क्लाइमेटिक रीजन है, चाहे वो ब्रिटिश टाइप हो, चाहे सवाना टाइप हो, चाहे स्टेपी टाइप हो, कोई भी हो, वो परमानेंट है। मानसून परमानेंट ही नहीं होता, इसकी डायरेक्शन बदलती रहती। हाँ, ये वाला, और दक्षिणाय होगा तो ये वाला। जैसे ही सूरज करके पे आएगा तो हवाएं हमारी तरफ आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ ITCZ होता है हवाएं उसी तरफ आ जाती है। हमने क्या बोला था, जो बीच में ITCZ है वहीं से तो ट्रीटमेंट उसी तरफ तो आती है, पर वही ITCZ, वो ITCZ सूरज के साथ शिफ्ट होगा। तो जैसे ही गर्मी आएगी तो सूरज आ जाएगा 23:30 तक, तो ITCZ भी जो यहाँ पर था 0 डिग्री, वो ITCZ यहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। कर्क रेखा यहीं तो निकलती, गुजरात राजस्थान। तो जब यहाँ आएगा तो पूरी ट्रेड विंड जो नीचे जा रही थी वो कहाँ आने लगी? ऊपर। आगे समझ में? और जैसे ही नवंबर दिसंबर होगा तो ये ITCZ पहुंच जाएगा ऑस्ट्रेलिया, तो पूरी हवा वहां चली जाएगी। तो मानसून एक अस्थायी जलवायु प्रदेश है जो हर 6 महीने बदलता है। 6 महीने तो पानी यहाँ से समुद्र से जमीन की तरफ पानी आएगी एयर, और 6 महीने देखो लैंड पार्ट से वाटर बॉडीज की तरफ जाएगी। तो मानसून जलवायु प्रदेश स्थायी नहीं है, बदलता रहता है। ये समझ में आ गया? अब दूसरा इसको समझो, ये ब्रिटेन है, नहीं ये सॉरी, ये ब्रिटिश एरिया है। यहां पर ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट मिल रहा था, क्योंकि पछुआ पवन यहां जा रही थी, याद आ रहा है? 30 से 60 के बीच में जो वेस्टर्नली जा रही थी, तो यहां पर कौन सा क्लाइमेट मिल रहा था? ये दुनिया में सब जगह मिल रहा होगा, यहां पर भी मिल रहा होगा, यहां पर भी मिल रहा होगा, यहां पर भी मिल रहा होगा। लेकिन क्या सूरज फिक्स है? सूरज नीचे भी तो आता, सदर्न साइड भी। तो जब सूरज नीचे आएगा तो ये वेस्टर्नली भी नीचे आएगी कि नहीं? ये पछुआ पवन है, सूरज के साथ साथ नीचे शिफ्ट होगी कि नहीं? दुनिया में सब कुछ सन के साथ ही शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? ITCZ नीचे, डोलड्रम नीचे, ट्रेड विंड नीचे, सब नीचे। तो पछुआ पवने भी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगी। तो जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट थी वो पछुआ पवने भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी के आसपास आ जाएगी। तो पहले पछुआ चल रही थी ब्रिटेन साइड, पर जैसे ही सूरज दिसंबर में नीचे जाएगा मकर रेखा पे, तो ये पछुआ पवने वेस्टर्ली भी ब्रिटेन की बजाय कहाँ चलेंगी? पर ये तब तक चलेंगी जब तक सूरज मकर रेखा में, कैप्रिकॉन में। जैसे ही सूरज 0 डिग्री पे आएगा तो वापस वेस्टर्ली आ जाएगी। आ रहा समझ में कि नहीं? इसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी या मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट, भूमध्य सागर प्रकार की जलवायु। क्योंकि अब बारिश कहां पर होगी? वैसे बारिश होती है ब्रिटेन में, लेकिन जब भी सूरज का दक्षिणायन होता है, सदर्न शिफ्ट होती है सन की, तो पूरी वेस्टर्ली आ जाती है मेडिटेरियन सी पे। तो इस जलवायु को क्या बोलते हैं? पर यह परमानेंट नहीं है। जैसे ही सूरज वापस 0 पे आएगा, ये वापस पछुआ यही ब्रिटेन में आ जाएगी। आ रहा समझ में कि नहीं? भूमध्य सागरीय जलवायु, ये कब होगा? दिसंबर में। तो दिसंबर में अच्छी खासी बारिश होगी, कि दिसंबर में तो सूरज मकर पे जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कब जा रहा है? दिसंबर पे। तो ये वाली बारिश कब होती होगी? दिसंबर में। तो जब ऐसा मौसम होता कि दिसंबर नवंबर जनवरी में बारिश हो, गर्मी सूखा हो, तो यहाँ खट्टे फलों की खेती बहुत होती, सिट्रस फ्रूट्स, इसलिए फ्रांस वगैरह है ना, वाइन वाइन के लिए बहुत फेमस है, ग्रेप्स वगैरह बहुत ज़्यादा है ना। समझ में आ गया? भूमध्य सागरी जलवायु जहां पर भी मिलेगा वहां शराब अच्छी बनेगी, क्योंकि वहां खट्टे फल लोग बोले बढ़िया है। महाराष्ट्र में भी है, टेंशन मत लो, अपना महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र में भी बारिश बहुत होगी। कहाँ? इंडिया अपना, ये देखो, ये इसी एरिया में अपना ये वाला जोन पड़ता है, तो यहाँ पर भी बारिश मिल जाती है, तो यहाँ पर भी खट्टे फल, नागपुरी संतरे, याद है? तो मेडिट जैसे मानसून परमानेंट नहीं था, ऐसे ये भी परमानेंट नहीं है। कैसा? अरे पछुआ पवनों की तो यही है ना, 30 से 60 के बीच ही चलती है वो, तो जब सूरज दक्षिणायन होता तब वो नीचे आ जाती। तो किस पे? 3 महीने, 3 महीने नीचे रहता, बाकी 0 पे आ जाता। 3 महीने पहुंचे कैंसर पर रहेगा, 3 महीने कैप्रिकॉन में रहेगा, 6 महीने इक्वेटर पर रहेगा।
तो 3 महीने यहां रहेगा, 9 महीने यहां रहेगा। क्लियर समझ में आ गया? भूमध्य सागरी। चलो अब लास्ट और देख लो। अब देखो यहां, देखो सुनो क्या होता है, जो ट्रेड विंड होती है वो यहां पर चल रही होती है 30 to 0, 30 to 0, लेकिन जब सूरज नॉर्दर्न साइड पे शिफ्ट होगा, उत्तरायण होगा, जब बोला था जब सूरज नीचे जा रहा था तो मेडिटेरियन हो रहा था, जब सूरज ऊपर चला जाएगा तो ये ट्रेड विंड भी ऊपर चली जाएगी, तो यहां पर बारिश होने लगेगी। समझ में आ गया? इसलिए जो ये वाला एरिया है यहां साल भर बारिश होती है। क्यों? देखो ये वाला एरिया है, ये पछुआ पवने है ना, यहां रेगिस्तान बनने नहीं देगी, पछुआ पवने यहां बनाएगी ब्रिटिश क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट और यहां लॉरेंशियल क्लाइमेट, तो यहां रेगिस्तान बनने चाहिए बहुत अच्छे। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब भी सूरज नॉर्दर्न साइड पे शिफ्ट होगा, उत्तरायण होगा, तो ये ट्रेड विंड ऊपर शिफ्ट हो जाती है और ट्रेड विंड यहां क्या कर देंगी? बारिश। इसलिए वैसे रेगिस्तान नहीं मिलते हैं जैसे कि पश्चिम में मिलते हैं। मतलब ये सोचो ना कि ट्रेड विंड जब जाती है तो इस तरफ रेगिस्तान मिलते हैं, जब पछुआ पवने आती है तो यहां रेगिस्तान इतने बड़े क्यों नहीं मिलते? इसलिए नहीं मिलते कि ट्रेड विंड उत्तरायण में यहां शिफ्ट हो जाता, और इस क्लाइमेट को बोलते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट, क्योंकि चीन में बारिश हो रही है। वैसे तो अलग अलग जगह है, जैसे नेपाल है, दक्षिण, महात्मा गांधी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वो नेपाल पे ही किया था, ठीक है, लेकिन सबको क्या बोलते हैं? चाइना टाइप क्लाइमेट। तो चाइना टाइप क्लाइमेट समझ में आ गया, जब भी सूरज उत्तरायण होगा, नॉर्दर्न साइड शिफ्ट होगा, तो ट्रेड विंड भी शिफ्ट हो जाएगी, और ट्रेड विंड जो यहां पर बारिश कर रही थी वो यहां बारिश करने लगेगी। समझ में आ गया? जैसे जो यहां बारिश कर रही थी वो यहां करने लगेगी गल्फ ऑफ अलास्का के पास में, इसलिए इसका नाम हो गया। चलो ये समझ में आ गया। तो 3 बेल्ट ऐसा है जो परमानेंट नहीं है, मानसून वाला परमानेंट नहीं होता, शिफ्ट होता है। मेडिटेरियन वाला भी सर्दियों में बारिश होगी, क्योंकि सर्दियों में नीचे शिफ्ट हो जाएगा, भूमध्य सागर वाले एरिया में बारिश होगी, और गर्मियों में चाइना टाइप बनेगा। तो सर्दियों में मेडिटेरियन बन गया और गर्मियों में चाइना टाइप कैसे बनता है? जब व्यापारिक पवन उत्तर की ओर विस्थापित हो जाती है तो चीन समतुल्य जलवायु चाइना टाइप क्लाइमेट बनता है, और जब वेस्टर्नली साउथ में शिफ्ट हो जाती है तो मेडिटेरियन बन जाता है। तो 3 बन जाते हैं ट्रांजिशनल क्लाइमेटिक रीजन। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा पूरा? तो ये हो गए पूरे दुनिया के क्लाइमेटिक रीजन। इसमें कोई दिक्कत है? चलो अब उस डायग्राम पे आओ, फिर इस पे भी आ रहे हैं। कहां गया वो? चलो यहां बताना, जिससे पूछे वो बताएगा ना, ये कौन सी विंड है, कौन बताएगा? चलो ऐसी बता दी, कौन सी है? दोनों? दोनों ये नदन, और ये 0 डिग्री है ना? हाँ, ये 20 से 30 मान लो, ये 20 से 30 मान लो। हॉर्स लेटिट्यूड ये होगा कि नहीं होगा? जहां हवा बैठेगी वहां जहाज डूबेगी। ये कौन सी है? ये पछुआ है, 20-30 से ऊपर जो जा रही है पछुआ, वेस्टर्नली। ये कौन सी है? ध्रुवी पूर्वा, ध्रुवी पूर्वा, बिल्कुल होगी। अरे इतनी बनाने में तो दिक्कत जाती है, ठीक है। अब देखो 3 साइकिल है, ये साइकिल कौन सा है? हेडले। ये कौन सा है? ध्रुवी। अब देखो सुनो यहां जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ज्यादा एयर ऊपर जाएगी, उतनी ज्यादा नीचे बैठेगी, तो ये हेडली चक्र तब स्ट्रांग होगा जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा गर्मी होगी तभी तो ये साइकिल बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा। जितनी ज्यादा गर्मी उतनी ज्यादा एयर, गर्मी कम पड़ेगी तो एयर कम उठेगी। तो हेडली चक्र इस बात पर डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना। फेरल को देखो, जितनी ध्रुवी पूर्वा ये वाली पोलर स्टर्ली आएगी उतनी ही इसको उठाएगी, अगर ये नहीं आ पाई ज्यादा तो ये आगे बढ़ती चली जाएगी। जितनी ज्यादा ध्रुवी पूर्व आएगी उतनी ज्यादा वेस्टर्ली या पछुआ ऊपर उठेगी, तो ये पछुआ तब उठेगी जब यहां से ध्रुवी पूर्व होगी, और यहां पूर्वा जब आएगी जब यहां ठंड बहुत ज्यादा होगी। जितना हाई प्रेशर पोल पर होगा उतनी तेजी से आएगी, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी तेजी से आएगी।
तो जो फेरल साइकिल है, ये दूसरे नंबर का फेरल साइकिल है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना कम है। जितनी ज्यादा ठंड होगी फेरल चक्र उतना मजबूत हो जाएगा। तो हेडली चक्र कब मजबूत होगा? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। और फेरल चक्र, ये हेडली है, फेरल कब होगा? जब सर्दी ज्यादा पड़ेगी। और तीसरा कौन सा? पोलर। पोलर भी वही सर्दी की वजह से पड़ेगा। अब देखो, ये जो हेडली वाली एयर आ रही है, ये जीरो डिग्री से उठ के आ रही है। जो हेडली वाला चक्र बन रहा है, ये पूरी एयर कहां से उठ के आ रही है? जीरो से। तो ये वाली जो एयर है, ये जीरो डिग्री से उठ के आ रही है, जबकि जो फेरल वाली है ये 60-65 पे उठती है, 60-65 पे। ये वाली जो एयर है ये कहां से आ रही है? 60-65 से। नहीं है समझ में? ये वाली देखो जीरो डिग्री से उठी और ऊपर, और ये फेरल। तो ये हेडली और फेरल ऊपर कहीं ना कहीं मिलते हैं, देखो ना, ये हेडली और ये फेरल, तो ये दोनों मिल रहे हैं। पर ये वाली 60 डिग्री से आ रही है, ये वाली जीरो डिग्री से आ रही है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत रहता है। आएगा समझ में कि नहीं? तो इतने ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहां स्पीड बहुत ज्यादा होगी, 20-30 पे। तो ये बात चल रही ऊपर, क्योंकि एयर कहां मिल रही? धरती पे कि ऊपर? तो ट्रोपोपोज के पास में हेडली और फेरल, ये देखो ये ऐसे जाती, यहां कहीं मिलती है। तो हेडली और फेरल कहीं ट्रोपोपोज 10-12 किलोमीटर ऊपर मिल जाती है। और इतना ज्यादा टेम्परेचर होता कि यहां बहुत तेज हवा चलती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी तेज हवा चलेगी कि नहीं? उतनी ज्यादा। इन्हीं को बोलते हैं जेट विंड, जेट पवन। तो हेडली और फेरल के बीच में जेट, और फेरल और पोलर के बीच में जेट, दो जेट मिलेगी। तीन साइकिल है ना, एक है हेडली, एक है फेरल और एक है पोलर, हेडली फेरल और ध्रुवी। तो यहां पर एक जेट बनेगा और यहां पर एक जेट बनेगा। अब धरती कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। तो ये विंड भी कैसे घूमेगी? वेस्ट टू ईस्ट। तो जेट का मतलब क्या? जेट का मतलब है जो 200 से 300 की स्पीड में चल रही है और डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट हो और धरती से ऊंचाई पर 10-12 किलोमीटर ऊंची हो, उसी हवा को बोलते हैं जेट पवन। तो स्पीड 200 से 300 होगी, हाइट 10-12 किलोमीटर होगी, ठीक है, और डायरेक्शन वेस्ट टू, इतनी ऊपर एयर है अब बन गई, अभी कहां घूमेगी? जिस तरफ से धरती घूमेगी उसी तरफ जाने लगेगी। तो जेट समझ में आया? ये देखो, एक साइकिल ऐसी बनी और ये हेडली है, ये फेरल है, दोनों के बीच में ये एक जेट आ गई, और ये फेरल ये पोलर, दोनों के बीच में एक जेट आ गई। तो ऐसे धरती पर दो परमानेंट जेट घूमने लगेगी, एक हेडली और फेरल के बीच में। इसे बोलते ओपोस्ट कटिबंधी है, सब ट्रॉपिकल जेट, क्योंकि 20-30 पे बनती है ना, 20-30 के ऊपर। और इस वाले को क्या बोलते हैं? ध्रुवीय जेट, पोलर जेट। तो धरती के ऊपर दो परमानेंट जेट नॉर्थ में, और दो परमानेंट जेट, क्योंकि यहां भी हेडली फेरल और पोलर होगा, यहां भी हेडली फेरल, और तो परमानेंट जेट दो ही होती है। हाँ पूछो, कहां पर? हाँ जेट यहां पर ज्यादा है, सही बोल रहे। चलो, तो ये दो जेट समझ में आ गई, ये जमीन धरती के ऊपर से चल रही है, ये सतह पर नहीं चल रही है, और अर्थ का रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रहा है, तो जेट भी कहां चल रही होगी? समझ में आ गया? ये सब ट्रॉपिकल है, कि 20-30 के आसपास है, और ये पोलर है। तो दोनों जेट समझ में आ गए, इनका कैसे बना ये भी समझ में आ गया। हेडली फेरल और पोलर सेल बनेगी, क्योंकि एयर उठेगी और कोई ना कोई साइकिल बनाएगी, साइकिल बनाएगी तो दो, हर दो साइकिल के बीच में एक जेट होगी। इनकी स्पीड ज्यादा है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है धरती से। दो कारण है, एक तो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हेडली और फेरल का, और दूसरा धरती से ऊपर है, जो धरती की सतह से चलती है वो धरती से रगड़ खाएगी, फ्रिक्शन की वजह से स्पीड ज्यादा नहीं होगी। पर ये तो 10-12 किलोमीटर है, तो फ्रिक्शन का भी सवाल नहीं है, तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी। समझ में आ गया? अब यही जेट, ये वाली 20-30 वाली जेट आती है इंडिया। जब ये इंडिया आती है, यहां समझ लो, जैसे ये है इंडिया, जब भी ये मान लो हिमालय, समझना इसको, यही उसने मेंस में इस बार पूछा था, ये मान लो हिमालय है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सूरज कैप्रिकॉन में जाएगा मकर में, तो जेट भी नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये जेट 20-30 पे चलती है सब ट्रॉपिकल,
पर ये जेट हिमालय के नीचे इसलिए आ गया कि सूरज ही नीचे है। अब क्या होता है, जैसे जैसे मार्च अप्रैल में सूरज नॉर्दर्न साइड या उत्तरायण होता है तो ये जेट कहाँ जाने की कोशिश करती, ऊपर, पर हिमालय की वजह से नहीं जा पाती। और इस वजह से इस जेट की कितनी ब्रांच आ जाती है, दो, एक जो हिमालय के नीचे है, एक जो हिमालय के ऊपर है, समझना। तो अभी जो धरती पर दो जेट देख रहे थे उनमें से जो सब ट्रॉपिकल जेट है उपोष्णकटिबंधी, वो हिमालय के ऊपर रहती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज नीचे आता है तो ये भी हिमालय के साधन साइड आ जाती है। दुनिया में हर चीज सूरज से ही डिपेंड करती है, समझ में आ गया। जो डोल ड्रम है वो भी जीरो पे परमानेंट नहीं है, सूरज जैसे नीचे आएगा डोल ड्रम भी कहां जाएगा, नीचे। तो ये वाली जो विंड है, एक ये और एक ये, समझ में आ गया, ये दोनों डिवाइड हो जाती है। इसके बाद ये जो हवा है ये तिब्बत के पठार में, ये जो जेट है ये तिब्बत के पठार में उठ जाती है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई तक आते आते तिब्बत बहुत गर्म होगा, तो ये जो जेट आ रही है सब ट्रॉपिकल जेट, ये तिब्बत के पठार में गर्म होके ये ऊपर उठ जाएगी, और ऊपर उठ के यहां गिरेगी जहां मानसून आ रहा है, यहां पर, समझो। तो इसको बोलते ईस्टर्ली जेट, क्योंकि सब जेट आती है वेस्ट से, पर तिब्बत के पठार से जो जेट उठी वो कहां से आई, ईस्ट से। तो दुनिया की दो ही परमानेंट जेट है, दोनों वेस्ट से आती है, पर जब ये जेट तिब्बत के पठार के कांटेक्ट में आती है तो बहुत गर्म होके उठती है और अफ्रीका की साइड जाती है, और मानसूनी विंड से मिल जाती है, और जैसी इससे मिलती है तो और तेजी से इंडिया में आती है, क्योंकि यहां से कितनी हवा उठ रही है तो यहां क्या बन रहा होगा, और जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा ये एयर उतनी ज्यादा आएगी, और यहां जेट गिर के क्या बनाएगा, तो हाई और लो बनेगा, तो और तेजी से मानसून आएगा, समझ में आ गया। तो अगर ये जेट यहां नहीं गिरेगा या ये एयर यहां से नहीं उठेगी तो यहां लो प्रेशर तिब्बत पे नहीं बनेगा, यहां ये जेट नहीं गिरेगा तो उतना हाई नहीं बनेगा। मानसून आ रहा है पर मानसून उतना हाई प्रेशर नहीं रहता, इस मानसून में क्या मिल गया, जेट, जेट मिलके और ज्यादा हाई बन गया। तो पिछले साल अभी 2019 का जो मेंस हुआ था उसमें यही पूछा था कि मानसून में जेट की भूमिका समझाओ, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जेट इन इंडियन मानसून। तो अगर जेट नहीं आता तो तिब्बत के पठार को उठाने के लिए या यहां फेंकने के लिए हवा कहां से मिलती, तो जो इंडिया की तरफ सब ट्रॉपिकल जेट आता है वही तिब्बत के पठार के कॉन्टेक्ट में उठ जाता है और वो नीचे गिरता है। नीचे गिरने वाले को एंटी साइक्लोन कहते हैं, समझ में आ गया। तो तिब्बत के पठार में बनते एंटी साइक्लोन जो जेट की फॉर्म में गिरते हैं मानसूनी विंड में, समझ में आ गया। इसका नाम है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, ठीक है। तो दुनिया में हर जेट वेस्ट से चलता है, यही इकलौता जेट है जो ईस्ट से चलता है। इसके अलावा इसी टाइम पर अफ्रीका से भी एक जेट आता है जिसे सोमाली जेट या फिंड लेटर जेट कहते हैं। तो इतने जेट के नाम याद रखना है, कौन कौन से, हेडली और फेरल के बीच में एक जेट है सब ट्रॉपिकल उपोष्ण कटिबंधीय जेट, तो पोलर और उसके फेरल और पोलर के बीच में भी एक जेट होगा, उसका नाम पोलर, दोनों वो परमानेंट रहेंगे क्योंकि वो साइकिल परमानेंट है तो दो रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा तिब्बत से एक आता है मानसून में मिलता है, इसका नाम है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और एक अफ्रीका से आता है जैसे सोमाली या फिंड लेटर जेट। तो चार जेट याद रखना है, दो परमानेंट है दो टेम्पररी है, दो तभी होगा जब गर्मी गर्मी आएगी और ये उठेगी, जैसे ही सूरज बारिश बारिश होगी खत्म हो जाता। तो ये चार जेट समझ में आ गए, समझ में आ रहा कि नहीं, चलो। तो ये इस यहां से तिब्बत के पठार से उठेगा और यहां मानसूनी विंड से मिल जाएगा, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट है। हाँ पूछो, कौन सा, जितनी भी तिब्बत के कॉन्टेक्ट में हिमालय के जब तक यहां रहेगा तब तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि जब तक वो जेट भारत में रहेगी भारत में हाई प्रेशर रहेगा, उस जेट को आना ही पड़ेगा ऊपर, पर वहां डिवाइड हो जाती कुछ देर के लिए, सुनो। चलो तो हमने तीन दुनिया में परमानेंट हवा पढ़ ली, तो सुनो हमने जेट समझ में आ गया सबको, चलो वही अब देखो, हमने तीन परमानेंट हवा पढ़ ली, एक ट्रेड विंड परमानेंट है, एक वेस्टर्ली पछुआ परमानेंट है, और एक ध्रुवी पूर्वा परमानेंट। तो तीन परमानेंट है जो ग्लोबल है, जो पूरी दुनिया में चल रही है। अब हम देखते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी, अब देखते हैं सेकेंडरी,
जो मॉनसूनी विंड है ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है, क्योंकि कुछ समय के लिए चलती है, बड़े एरिया में चलती है मॉनसून बड़े, तो मॉनसून सेकेंडरी है। इसके बाद साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, ये सेकेंडरी है। तो दुनिया में कुछ हवाएं ऐसी चलती हैं जो पूरी दुनिया में नहीं चलती, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी। तो प्राइमरी में तीन ही आती है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवी पूर्वा, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली। सेकेंडरी में साइक्लोन, एंटी साइक्लोन और मॉनसूनी विंड, ये आती है सेकेंडरी में। अब देखना है लोकल विंड, लोकल विंड। अब देखो लोकल विंड, स्थानीय पवन, लोकल। जैसे गर्मियों में देखो, गर्मियों में यहां जमीन पर लो प्रेशर होगा, जमीन गर्म हो गई तो यहां से पूरी हवा उठी, लो प्रेशर। इसमें पानी में कैसा होगा, तो दिन के समय कोस्टल एरिया में हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर चलेगी, मतलब समुद्र से चलेगी जमीन पर, इसलिए इसको बोलते हैं सी ब्रीज, समुद्र से चला। हिंदी में बोलते हैं सागर समीर, सागर और ब्रिज को बोलते हैं समीर। तो दिन के समय सागर समीर चलती है और पानी से ठंडी हवा आती है और यहाँ टेम्परेचर को कूल कर देती है, इसलिए चेन्नई, बम्बई, हैदराबाद में उतनी गर्मी नहीं लगती, क्योंकि जैसी गर्मी हुई लो प्रेशर, पानी में समय हाई प्रेशर, एयर चलने लगेगी हाई से लो। तो ये क्या बन गई, सागर समीर, सी ब्रिज। अब रात के समय देखो, रात के समय जमीन बहुत ज्यादा ठंडी, तो जमीन में कैसा प्रेशर हाई, समुद्र में कैसा लो, इसलिए अब जमीन से हवा चलने लगेगी, जैसे बोलेंगे स्थल समीर, लैंड ब्रिज। समझ में आ गया, ये लोकल है, वहीं वहीं चलती है किनारे पे। तो तुम्हें बस इतना याद रखना है कि डे टाइम और नाइट टाइम में क्या होगा। चलो बताओ डे में क्या होगा और नाइट में क्या होगा। दिन के समय गर्मी कहां होगी, यहां लो प्रेशर होगा जमीन पर, पानी पर क्या होगा, तो ऐसे चलने चाहेगा, इसका नाम क्या रख दोगे, सी ब्रिज। रात में नाइट में क्या होगा, जमीन पे होगा हाई और पानी पे होगा तो लैंड ब्रिज। ये तो आसान है। और लोकल देखो, अब यहां देखो, सुनो, दिन के समय यहां, दिन के समय ये यहां से गर्म एयर ऊपर उठेगी तो घाटी से, वैली से पहाड़ी की तरफ जाएगी, तो दिन के समय घाटी से पवन ऊपर चलेगी, इसे कहते हैं वैली ब्रिज, घाटी समीर। तो दिन के समय घाटी से हवा चलेगी, इसी को कहते हैं एनाबोलिक विंड। रात के समय क्या होगा, पहाड़ से नीचे लुढ़कने, जैसे रात को हवा ठंडी होगी तो भारी होगी, कहाँ बैठने लगेगी, नीचे, तो ये हवा नीचे बैठने लगेगी पहाड़ी से, इसलिए इसे बोलते हैं माउंटेन ब्रिज, पर्वत समीर। इसका नाम होगा पर्वत, क्योंकि ये पर्वत से नीचे उतर रही है, और इसको बोलते हैं कैटाबोलिक, इसको बोलते हैं कैटाबोलिक। ये भी लोकली विंड है। तो दिन के समय घाटी से नीचे वैली से एयर उठेगी, इसका नाम वैली ब्रिज, और जो हवा उठती है उसे बोलते हैं एनाबोलिक। रात के समय पहाड़ से नीचे उतरेगी, रात को हवा ठंडी हो गई और ठंडी भारी होने की वजह से चोटी से, इस स्लोप से ऐसे धीरे धीरे लुढ़कती जाएगी वैली की तरफ, तो माउंटेन से कहाँ जाएगी, वैली, वैली के ऐसे ये माउंटेन है, ये वैली है, तो रात को हवा इतनी ठंडी हो जाएगी नीचे बैठने लगेगी, यहाँ बैठ जाएगी पूरी, इसलिए कहते हैं घाटी में फसल नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि जितनी ठंडी हवा है यहाँ आ जाती, पाला वगैरह पड़ जाता, इसलिए जो भी पहाड़ों पे खेती करते हैं वो थोड़ा सा हाइट पे करते हैं, क्योंकि जितनी ठंडी हवा है वो कहाँ भर जाएगी, वैली। तो रात के समय पहाड़ की चोटी से वैली पे हवा आएगी, इसे बोलते हैं माउंटेन ब्रिज, पर्वत समीर, और इसी को बोलते हैं कैटाबोलिक। तो जब हवा ऊपर जाती है तो एनाबोलिक, और जब नीचे बैठती है कैटाबोलिक। तो दिन के समय घाटी समीर, वैली ब्रिज, और रात के समय माउंटेन ब्रिज, पर्वत समीर। ये भी लोकल इवेंट है, वही पहाड़ से घाटी, घाटी से पहाड़, यहां तो कोई दिक्कत है। चलो अब देखते हैं दुनिया भर की गर्म और ठंडी लोकल विंड। ये रॉकी पहाड़ है इस, और ये आल्प्स है। ये है यूरोप का कौन सा पहाड़, अमेरिका का रॉकी, और ये है यूरोप का आल्प्स। तो यहां पर जो भी, जैसे मान लो ये पहाड़ है, तो अगर इस पहाड़ी पे कोई उतर रही होगी तो जब भी कोई एयर नीचे बैठती है तो वो ठंडी होगी या गर्म, गर्म,
ऊपर जाने पर ठंडी होगी, नीचे बैठने पर, अरे जैसे जैसे धरती से ऊपर जाएगी ठंडी होगी, और जैसे जैसे वो नीचे बैठेगी वो गर्म होगी। नहीं आए समझ में? तो जो रॉकी से नीचे बैठेगी वो गर्म होगी, और जो आल्प से नीचे बैठेगी वो भी गर्म होगी। तो यहां पर अमेरिका में एक एयर रॉकी से नीचे उतरती है जिसका नाम है चिनूक, और ऐसी आल्प से भी नीचे उतरती है जिसका नाम है फोन। तो आपसे पूछा जाएगा चिनूक ठंडी हवा है कि गर्म हवा? तो गर्म है क्योंकि रॉकी से उतर रही है। कैसा है ना? हाँ, रात में जो एयर इकट्ठी हो जाती है वो नीचे बैठती है, पर पहाड़ जब भी कोई एयर जिम मान लो जब नीचे उतरती है तो गर्म होगी। अगर पहाड़ से भी वो नीचे उतर रही होगी ना तो गर्म होती जाएगी, समझो। जैसे पहाड़ पे ठंडी होगी रात में, लेकिन वो जैसे जैसे घाटी पे भी बैठेगी तो टेम्परेचर अब गर्म होगा। जितना पहाड़ी पे ठंडी होगी उतना वैली पे ठंडी नहीं होगी। तो जब भी ये चिनूक है, ये फोन है, ये गर्म हवा होगी, आपको क्या करेगा? चार पांच हवा दे देगा, उसमें दो तीन ठंडी दो तीन गर्म, और बोलेगा इनमें से कौन कौन सी गर्म है। 1, 1, 3, 1, 2, 3 इस तरह के ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में कौन कौन सी गर्म है कौन कौन सी ठंडी है। तो अमेरिका के रॉकी से एक हवा उतरते समय गर्म हो जाती है जिसका नाम क्या है? चिनूक। यूरोप में आल्प्स पर्वत से नीचे उतरते समय एक हवा गर्म हो जाती है जिसे कहते हैं फोन। चलो, तो ये चिनूक है और ये फोन है। इसके बाद भारत में एक गर्म हवा चलती है जो सबको पता है, लू। लू लपट, प्याज वगैरह लोग लेके चलते हैं। फिर चलो, इसके बाद सहारा से गिनी की ओर चलती हरमट्टन। सहारा के डेजर्ट से गिनी कोस्ट तक जो गर्म हवा चलती है उसका नाम है हरमट्टन। तो यहां पर गिनी तट है और ये सहारा, तो सहारा से गिनी तक जो हवा चलती है उसका नाम क्या है? हरमट्टन। इसके बाद अब देखो, यहां एक सांता आना वैली है, यहां कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में एक सांता आना कैनियन है, वैली है, और यहां से जो गर्म हवा चलती है उसका नाम सांता आना है। तो रॉकी से नीचे उतर रही थी वो चिनूक है, और जो सांता आना वैली से आ रही है उसका नाम सांता आना, ये भी गर्म हवा है। इसके बाद यहां ये सुरोको है जो सहारा से अब यूरोप की तरफ जा रही है उसका नाम क्या है? सुरोको। ये गर्म है, और जो इजिप्ट से जा रही है गर्म उसे बोलते हैं खमसिन। तो ये जो सिरोको है ये भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी होके यूरोप जाना चाह रही है, और ये इजिप्ट होके जा रही है, जो इजिप्ट होके जाती है उसका नाम खमसिन, और जो एड्रियाटिक और फिर मेडिटेरियन होके जाएगी सिरोको। तो फोन, सिरोको, खमसिन, हरमट्टन, वो यूरोप की साइड हरमट्टन साइड आती है। ये सब गर्म हवा है, एक एक करके देखते हैं। चलो देखो, सुनो, तो रॉकी से कौन सी है? चिनूक। आल्प से फोन। सांताना वैली अमेरिका में कैलिफोर्निया, उसका नाम सांताना। सहारा से गिनी तक कौन सी आती है? हरमट्टन। इसके बाद सहारा से यूरोप की तरफ जो चली गई वो है सुरोको। वो कौन सी है? सुरोको। मिस्र से होके जो यूरोप पे जाएगी खमसेन। मिस्र में कौन है? खमसेन अलग है, कमसेन अलग है। तुम लोगों का समझ रहे दिमाग कहाँ चल रहे? वो ये खमसेन है, खमसेन। चलो, और कोई बची गर्म हवा? हाँ, अब ऑस्ट्रेलिया में चलती है ब्रिक फील्डर। ऑस्ट्रेलिया में जो गर्म हवा चलती है उसका नाम है ब्रिक फील्डर। तो कौन कौन सी गर्म हवा हो गई? नॉर्थ अमेरिका में दो है, चिनूक और सांतान। यूरोप में फोन से कौन सी आ रही है? फोन, फोन, ये फोन है। और जो मेडिटेरियन होके जाएगी वो सिरोको। जो मिस्र से आ रही है उनका नाम कमसेन, और जो सहारा से गिनी तक जा रही है वो, और जो ऑस्ट्रेलिया में गर्म हवा है, ये सब लोकल है, ये सब लोकल है, और सबके सब गर्म है, ये वार्म लोकल विंड है। अब दुनिया में ठंडी हवा देखते हैं। ठंडी, तो ठंडी हवा जो एड्रियाटिक की तरफ आती है, ठंडी हवा, इसका नाम है बोरा, बोरा। इसके बाद जो फ्रांस की साइड से आती है उसका नाम है मिस्ट्रल। तो जो यूरोप की तरफ जा रही वो सहारा से गर्म गर्म आ रही थी, ये यूरोप से आ रही है, तो ये ठंडी होगी क्योंकि पोल, पोल की साइड से आ रही है। तो बोरा और मिस्ट्रल,
साइबेरिया में आती है बुरान, साइबेरिया में कौन सी आती है? बुरान। यही जो बुरान है यही अगर कनाडा से आती है तो इसका नाम ब्लिजार्ड होगा। तो अगर इसमें कनाडा में आए गए तो ब्लिजार्ड, और वही हवा अगर पोल से साइबेरिया होके आती है तो बुरान। तो ये चार नाम याद रखना है, बोरा, मिस्ट्रल, बुरान और ब्लिजार्ड, सब आती है पोल से। अगर कनाडा में आती है तो ब्लिजार्ड, साइबेरिया में आते हैं बुरान, और यूरोप साइड चल रही है तो बोरा और मिस्टर। तो आपको क्या करेगा, ठंडी गर्म हवा एग्जाम में मिक्स करके दे देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी ठंडी है, कौन कौन सी गर्म है, पहचानो। किसमें ऐसा रहता है, जैसे जब सूर्य का दक्षिणा होगा तब ये ज्यादा चलने लगेगी, जब यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया तब बहुत ज्यादा चलेगी। तो ये लोकल विंड होगी साइबेरिया। तो हमने दो क्या देख ली, तीन देख ली, ग्लोबल विंड, ट्रेड विंड, वेस्टर्नली और ईस्टर्नली, मतलब व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवी पूर्वा, ये है ग्लोबल विंड या प्राइमरी। पर मानसून, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ये कहलाती है सेकेंडरी, और बाकी है लोकल। लोकल में कौन कौन सी आ जाएगी? लोकल में आ जाएगी सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, सागर समीर और स्थल समीर, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, घाटी समीर और पर्वत समीर। इसके अलावा लोकल बहुत सारी वार्म और लोकल बहुत सारी कोल्ड। ये हो गई आपकी लोकल विंड, और ऊपर ऊपर चल रही है जेट विंड। तो इतनी है तुम्हारी हवाएं, याद हो गया। चलो अमेरिका में गर्म हवा कौन कौन सी है? चिनूक और सांताना, सांताना। यूरोप में कौन सी? आल्प्स और तरीफोन। सहारा से आ रही थी, सिरोको, खमसिन। भारत में गर्म हवा कौन सी चल रही? लू चल रही है। और गिनी पर कौन सी आ रही? ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चली थी? ब्रेक। चलो चलो, ये हमने पढ़ ली विंड, जेट समझ में आ गया, विंड समझ में आ गई। अब चलते हैं हीट बजट। अब हमें देखना धरती का हीट बजट। हीट बजट का मतलब है, बजट का मतलब है जितनी इनकम है उतनी खर्चा है, सब संतुलन है। देखो सूरज जितनी भी हीट बनाता होगा उसका 1/2 अरब इतना हिस्सा वो धरती तक पहुंचाता। तो सन में जितनी भी एनर्जी बनती है उसका 1/2 अरब मा हिस्सा, मतलब 2 अरब में एक हिस्सा। अगर 2 बिलियन हीट आती होगी कैलोरी, तो 1 कैलोरी धरती तक आती है। तो अगर जितनी धरती पे आ रही है उसको 100 मान लेते हैं, तो यहाँ आते आते जो एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल वगैरह है उनसे रिफ्लेक्ट होके 6% लौट जाती है। जितनी भी सूरज से धरती आती है तो अंतरिक्ष में ही 6% लौट जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती। इसके बाद जो क्लाउड्स है बादल, इनकी सरफेस से 27% रिफ्लेक्ट होके वापस पहुंच जाती है। तो हम क्या मानते हैं, सूरज अगर 2 बिलियन एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस तक धरती का कितना आता है? 1। उस 1 को हमने मान लिया है 100, उसको 100 मान लिया। तो 2 बिलियन में से 1 और 1 को क्या मान लिया? 100। आते आते जो ये डस्ट पार्टिकल होंगे उनसे 6% लौट गई, फिर जो क्लाउड्स है इनकी सरफेस से टकरा के लौट गई, और यहां जितने ग्लेशियर्स हैं उनसे भी लौट गई। क्योंकि जब भी किसी की सरफेस से आती है फिर कितना लौटेगी वो डिपेंड करता है एक इफेक्ट पे जिसका नाम है एल्बिडो। जितना ज्यादा लौटा दोगे उतना ज्यादा एल्बिडो ज्यादा होता है। तो बर्फ का एल्बिडो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा। इसलिए जितनी भी सनलाइट ध्रुवों पर ग्लेशियर पर पड़ती है वो वापस, तो सूरज से जितनी रोशनी आती है उसका 2% तो ग्लेशियर ही लौटा देते। इसलिए तो जैसे जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं हीट रुक जाएगी यही। तो देखो गर्मी बढ़ी, ग्लेशियर पिघले, अब हीट और रुक जाएगी तो गर्मी और बढ़ेगी, तो ग्लेशियर और पिघलेंगे तो हीट और रुकेगी। अभी ग्लेशियर है तो हीट वो लौटा देता है, समझ में आ गया। तो कुल कितने परसेंट हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है? 100 में से 35 तो रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित, दिख रही, 6 स्पेस में ही, 27 बादलों से और 2%। अब बची 65, गणित सही है, सी सेट भी आता है। 35 में जो क्लाउड्स है वो 14% एब्जॉर्ब कर लेते अपने पास रख लेते 14, तो अब बचा कितना?
35 लौट गया, बचा कितना? 65। 65 में 14 बादलों ने रखा तो कितना बचा? 27 तो रिफ्लेक्ट हो गया और 14 इन्हें रख लिया। तो धरती तक आती है 51, धरती पर कितनी आएगी? तो सूरज की 2 बिलियन में से एक हिस्सा, और इस एक का भी आधा पहुंचता, और इस आधे का भी 2 से 4% ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है, जिसे बोलते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इस 51 का मुश्किल से कितना, 2 से 4, मतलब टोटल जितना आ रहा है उसका 1 से 2%, क्योंकि इसका आधा ही तो पहुंचता है। तो इसका अगर 2 से 4 होगा तो टोटल का कितना है? तो पौधे धरती तक जितनी लाइट पहुंचती है उसका 2 से 4% ही फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट कर पाते हैं, जैसे PAR कहते हैं। अगर इस धरती पर पहुंचने वाले का 2 से 4 होगा तो धरती के लिए आने वाले का 1 से, दोनों चीजें समझ में आ रही कि नहीं? धरती के लिए तो 100 आ रहा था ना, पहुंचा भले ही 50 है पर आ तो 100 ही रहा था, तो 100 का 1 से 2% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता, पर आया कितना 50, उसका कितना यूज कर पाए? तो PAR समझ में आ गया, वहां पढ़ाया था एनवायरमेंट में, एबायोटिक फैक्टर में। चलो सुनो, तो 1 से 2, तो धरती तक कितना पहुंचा? अब धरती लौटाएगी भी 51, तो धरती तक पहुंचा 51, धरती सीधे रेडिएशन के थ्रू स्पेस में लौटा देती है 17, तो जितना 51 आया इसका 17% सीधे अंतरिक्ष में चला गया, तो रिफ्लेक्ट होके वापस चला गया। तो पहले भी अंतरिक्ष ने रिफ्लेक्ट किया था और धरती से रिफ्लेक्ट होके भी अंतरिक्ष तक पहुंच गया, तो अंतरिक्ष कितने परसेंट रिफ्लेक्शन में मदद करता है? 23, जब आ रहा था तब 6, और जब धरती से गया 17, तब समझ में आ गया। चलो, धरती तक कितना पहुंचा? इसके बाद धरती से रेडिएशन निकलते हैं, बताया था धरती दिन भर 12 बजे 1 बजे तक हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसके बाद उसी हीट को निकालती है, तो ये जो हीट रेडिएशन ये सीधे कहां चली गई? स्पेस में चली गई, ये ना ट्रोपोस्फियर में रुकी, ना स्ट्रेटोस्फियर में, ना मीजोस्फियर, ना थर्मोस्फीयर, कहीं नहीं रुकी, सीधे कहां चली गई? स्पेस, कर्मल लाइन के बाद ही शुरू हो जाता है। तो अब कितना बचा? 51 में 17 चला गया, 34 बचा, 34 में से बात जो इस पे वातावरण में जो डस्ट पार्टिकल ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं 6%, कितने एब्जॉर्ब कर लेते हैं? 6, तो कितना बचा? 17 चला गया, बचा कितना? 34 बचा, इस 34 का 6 एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, बादलों ने 19, बादल कितना एब्जॉर्ब कर लिया? पहले भी एब्जॉर्ब कर लेते थे और जब यहां से गए तब भी बादलों ने एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि जब धरती जा, ये एयर गई, जब बादल बनाते हैं तो जब भी बादल बनाते हैं तो हीट निकलती है, नियम समझ में, जैसे यहां से जाते ऊपर जाने पर धरती ठंडी होगी, इसके बाद ये कंडेंस हो गए, जब भी कोई चीज ठंडी होती है तो उसकी हीट निकल जाती है, कैसे निकलेगी? जमीन में पानी है, जब वो बहुत सारी हीट लेगा तब जाके वो वेपर बनेगा, और वापस जब ऊपर पानी बनाएगा तो वो हीट छोड़ेगा नहीं, उसी को कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। देखो जमीन पे है पानी, सूरज की रोशनी आई 51 आई, इसमें बहुत सारी रोशनी वाष्पीकरण में वेपराइजेशन में खर्च हो गई, तो ये जो वाष्प वेपर जा रही है यही 51 की एयर लेके जा रही है, हीट लेके जा रही है, तो जो वाष्प बन के जा रही है इसी 51 की हीट लेके जा रही है, नहीं है समझ में? और जब ये वेपर वापस क्लाउड बनाएगी तो हीट को छोड़ देगी, क्योंकि क्लाउड बनाने के लिए उसे ठंडा होना जरूरी है, तो जितनी हीट वो नीचे से लेके गई थी वो ऊपर वापस छोड़ देगी, और वो रहती 19, इसे कहते हैं संघनन की गुप्त ऊष्मा, नहीं है समझ में? सुनो, ऐसा समझो, धरती तक कितनी आई हीट? इस 51 का 19% हिस्सा पूरा धरती पे जितना पानी है उसको वेपर में कन्वर्ट करने में लग जाता है, इस 51 का 19, तो जितनी भी सनलाइट आई, पानी गर्म होगा उसमें सनलाइट हीट खर्च होगी कि नहीं? 19%, तो ये भाप बनेगी, जब वापस ये भाप क्लाउड बनाएगी तो इस 19% को वापस एटमॉस्फेयर में वही छोड़ देगी, ये वही 19 है। जब ये आता है
तो बादलों की सरफेस से कितना लौट जाता है? चलो फिर से एक से पहाड़ा पढ़ते हैं। नहीं देखो बिल्कुल आसान है, सन से कितना आया? 100। 100 में से स्पेस में 6 लौट जाता है, और बादलों की सतह से 27 लौट जाता है, और ग्लेशियर से 2% लौट जाता है। तो सीधे सीधे रिफ्लेक्शन 35 का है। रिफ्लेक्शन कोई एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, रिफ्लेक्शन का मतलब है आया और सरफेस से ही टकरा गया, तो 35 तो सीधे रिफ्लेक्शन से चला गया, बचा कितना? इस 65 जो आया उसमें से 14% तो क्लाउड्स ने रख लिए, तो धरती के लिए कितना बचा? तो धरती तक 51 पहुंचा। यहां तक समझे? इस 51 जो धरती तक हीट पहुंची, इसमें से 19 तो पानी ने ले लिया, क्योंकि उससे बनना है भाप। एक वाटर साइकिल पढ़ा होगा ना बचपन में, कि पानी भाप बन के जाता है, बादल आता है ऊपर पानी बरसता है, तो इसका 19 तो रख लेगा पानी, और 17 सीधे स्पेस में चला जाएगा। धरती गर्म होगी, गर्म होने के बाद ये हीट छोड़ेगी, तो हीट किसी भी लेयर में नहीं रुकेगी, समता मैंने चाहो सीधे कहां चली जाएगी? स्पेस। तो 51 में 17 तो सीधे स्पेस में चली गई, और जो 19 है, 19 जब बादल बनेंगे तो 19 फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी। जब जैसे ही बादल बनेंगे तो जो भाप ने 19% हीट ले रखी वो छोड़ना पड़ेगा। बादल तभी बनेंगे जब वाटर वेपर अपनी हीट छोड़ेंगे, हीट छोड़ेंगे तभी तो ठंडे होंगे, तभी तो वो वेपर पास पास आएंगे। 19 समझ में आ रहा कि नहीं? तो 19 है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की गुप्त ऊष्मा। 19 समझ में आया कि नहीं? और 6% एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब करता, तो इसके पास कितना आया? 51। 51 में 17 कहां चला गया? स्पेस। तो बचा कितना? 51 में 17 तो स्पेस चला गया, बचा 34। 34 में जब बादल बनते तब एटमॉस्फेयर में फैल गया 19। 6 वायुमंडल में एटमॉस्फेयर के जो डस्ट पार्टिकल वेब जो कर लेते 25। अब बचा कितना? 9। तो ये 9 होता है उसमें कन्वेक्शन, जो हीट धरती के संपर्क में जितनी एयर है वो धीरे धीरे क्या है? उठती है। तो 9% हीट कन्वेक्शन में खर्च होती है, क्यों? धरती के संपर्क में जितनी एयर होगी क्या वो हीट नहीं लेंगे? एयर वाली बात अलग है, वाटर वेपर अलग है। जो 19 वाटर वेपर वो पानी भाप बन के उड़ रहा है, और ये जो 9 है ये हवा गर्म होके उठ रही है, बता नहीं 0 डिग्री की हवा उठ रही है, तो उठने में हीट खर्च होती होगी कि नहीं? वो 9% है। तो जो तुम पढ़ते ना 0 डिग्री पे लो प्रेशर बन गया, वो इसकी वजह से, और जो बादल बन रहे हैं वो 19 की वजह से। ये पूरा 34 हो गया। तो 51 में 17 तो चला गया स्पेस, 9 वायुमंडल एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो 14 यहां एब्जॉर्ब कर रहे थे और 6 यहां एब्जॉर्ब कर लिया, और इसके बाद जब बादल बने तो 19 फिर एब्जॉर्ब कर लिया। तो वातावरण कहां कहां? एटमॉस्फेयर 14 जब आ रहा था तब, जब धरती ने छोड़ा तब 6, और जब वाटर वेपर ऊपर क्लाउड बनाते हैं तब 19। तो 14 6 20 19 39 तो एब्जॉर्ब करके बैठ लेते हैं, और 9 चला चल जाता है समर, जैसे साइक्लोन, साइक्लोन आएगा तो उसे एनर्जी चाहिए कि नहीं? वही तो है, ये 51 रात में ही है, दिन भर ले, दिन भर हीट को एब्जॉर्ब करेगी और रात भर हीट को छोड़ेगी। तो 100 आया और 100 गया। यहां तक समझ में आया? चलो देखते कितना समझ में आया। सूरज से सूरज कुल 2 बिलियन अगर एनर्जी बनाती है तो धरती पे कितना आता है? 1। पहली तो ये चीज समझ में आ गए, तो 1/2 बिलियन पार्ट आता है। जब ये आती है तो सबसे पहले आते आते स्पेस में ही खत्म, 6। पर बादल कितनी रिप्लेट कर देते? खुलना क्या से आवाज आ रही? अच्छा, क्लाउड कितना रिप्लेट कर देते हैं? 27। और ग्लेशियर कितना करते हैं? इसका मतलब है कि धरती में आने से पहले, एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले कुछ, अच्छा बोर्ड लग रहा है, आई मैग्नस का बोर्ड लग रहा है बाहर शायद, अगर मेरा गैस सही है। नगर निगम तो थोड़ा ही करने आएगी नहीं? अरे चलो ठीक है, अब सुनो।
तो 6 रिफ्लेक्ट, 27 बादलों से रिफ्लेक्ट और 2 ग्लेशियर। तो इसका मतलब है हमारे एटमॉस्फेयर में घुसने से पहले, मतलब अभी थर्मोस्फीयर में नहीं घुसे और पहले चले गए, अब आएंगे थर्मोस्फीयर मेसोस्फीयर में, और कितने बादल, अब बचा 51। तो धरती तक कितना आता है, तो धरती के लिए जितना आता है उसमें से आधा ही पहुंचता है। इस 51 में रात को सीधे अंतरिक्ष में कितना चला गया, 17 तो सीधे अंतरिक्ष में चला गया। तो 6 और 17 ये दोनों किसके पास रहते, स्पेस के पास। जब सूरज से आता था तब 6, और जब धरती रिफ्लेक्ट कर देती थी तब 17। तो 51 में 17 चला गया, तो अब धरती का रेडिएशन कितना रह गया, 34। इस 34 में 6 जो धूल के कण वगैरह होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कितना 6। और अब 19 जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाता है, और जब बादल बनते तब 19 निकलता है। तो पहले वाटर वेपर हीट लेके चलते हैं, तो ऊपर जैसे ही क्लाउड बना तो 19 और निकल गया, और 9 होता है समवन वगैरह। जैसे ये जो एयर है, जो एयर है ये धरती के कॉन्टेक्ट की एयर है, ये उठेगी, तो ये उठने के लिए हीट चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें 9 लग जाएगी। तो जितने भी समवन, साइक्लोन, तूफान, जो भी तुम घटनाएं देखते हो उसमें कितनी लग जाती है, तो ये है धरती का हीट बजट। अब एग्जाम में कोई भी एक चीज पूछ सकते हैं, कोई भी एक सिंगल चीज पूछ सकते हैं। कल जो नोट्स दिए थे उसमें हीट बजट है, उसको पढ़ना एक बार, ठीक है। चलो, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिला है। हाँ,